यूपी की सियासत में हलचल तेज है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है। दिल्ली में संघ और बीजेपी के नेताओं की अहम बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। संघ के वरिष्ठ प्रचारक संगरीलाल ने बैठक बुलाई है। दिल्ली दौरे में योगी कल नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेताओं की मुलाकात हो सकती है। खास बात यह है कि दिल्ली आने से पहले योगी लगातार समीक्षा बैठक करते रहे, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे। आज लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक थी। दिल्ली आने से पहले योगी 100 से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं। सबसे अहम बात यह कि संगठन को सरकार से बड़ा बताकर इशारों में योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई विधायकों से मिल चुके हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या यूपी में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों की बैठक ले रहे हैं, विधायकों से बात सुन रहे हैं और उसमें यह बात निकल के आई कि मेरठ मंडल के कुछ विधायकों ने बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, नाराजगी जताई गई और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कुछ मिलेगा तो एक्शन होगा। नंबर एक। नंबर दो, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार इस तरह की बैठकों से गायब हैं, तो आपके घटक दल में क्या चल रहा है? देखिए, सब अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जनता की सुनते हैं, और मैंने पहले भी कहा जहाँ कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन साथ हैं और लोक कल्याणकारी जनता के हित में हम पूरा मेहनत करेंगे, उसे पूरा करना है। समाजवादी पार्टी लेकिन लगातार केशव प्रसाद मौर्य या दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर एक तरह से एक माहौल बना रही है, नैरेटिव बना रही है, आप लोग उसको काउंटर भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है और हर चुनौती में साथ रहने का काम किया है। मुझे पता नहीं आप कौन सी बात बता रहे हैं कि कहाँ साथ नहीं खड़े रहे, पर ये परिवार है और जब परिवार एक होता है तो कुछ आवाजें होती हैं, सब बातें घर में बैठ के हम कर लेंगे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, अब भले ही सहयोगी दल ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विरोध के स्वर तो हैं और इस बात का इशारा पहले संजय निषाद भी कर चुके हैं, तमाम अन्य लोग जो सहयोगी हैं इस सरकार में वो भी बता चुके हैं। ऐसे में दो डिप्टी सीएम की कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ये सब कुछ जो अगर मिला जुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त गहमा गहमी है माहौल में और ये गहमा गहमी इधर दिल्ली भी कैरी फॉरवर्ड होगी। बिल्कुल, ये गहमा गहमी है और अगर आप देखें तो बहुत कुछ चीज़ें इशारों में चल रही हैं, मैसेजिंग में चल रही है। यानी कि जब समीक्षा बैठक हुई, 17वें मंडल की समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रही है जो कि लखनऊ मंडल की है और लखनऊ के प्रभारी भी हैं ब्रजेश पाठक, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले बीती शाम प्रयागराज मंडल की बैठक थी, वो वहाँ से आते हैं केशव मौर्य, वो भी शामिल नहीं हुए। दरअसल एक तरीके से ये कहा जाए तो इन दोनों ने अपनी नाराजगी, अपनी नाखुशी जाहिर की है ऐसे समीक्षा बैठकों में ना आकर के। दोनों के पास 25-25 जिले हैं प्रभारी के तौर पर, 25-25 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन ये नाराजगी किसको लेकर है? ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर है, ये जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेकर है, या फिर कुछ मांगे ऐसे दोनों डिप्टी सीएम ने रखी थी जो नहीं मांगी गई, या योगी जी सिर्फ अपनी चलाते हैं इस बात को लेकर है? देखिए, ये सब कुछ मिला जुला है, कहीं ना कहीं कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। जिस तरीके से केशव मौर्य ने कहा था कि वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे, संगठन सभी कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है और आज सीएम साहब पीएम से मिलने पहुंच रहे हैं।